गीतांजलि ऑस्ट्रेलिया से। हे राजन, सुख दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा कि जिसके साथ दुख संलिप्त है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर अल्फाज हैं। सुख दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा जिसके साथ दुख संलिप्त है और जो पदार्थों से, भोग विलास से, घृणा प्रेम से मिलता है, दूसरा वो जो भोग विलास पदार्थ घृणा प्रेम इत्यादि से नहीं मिलता और उसमें दुख संलिप्त भी नहीं होता। राजन, तू दूसरे में उतर जा, वह तू ही है। अद्भुत श्लोक है गीतांजलि, अद्भुत श्लोक है। मानवता के इतिहास का, अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ श्लोक। सुख दो प्रकार के हैं, एक वह जो बाहरी जगत से मिलता है, पदार्थों से मिलता है, इंद्रियों के भोग विलासों से मिलता है, घृणा और प्रेम जैसी वृत्तियों से मिलता है। ऐसा सुख क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर पलट जाएगा, फिर उसका दूसरा पहलू आएगा। और दूसरा ऐसा सुख है जिसके साथ दुख संलिप्त नहीं और जो भोग पदार्थ विलास घृणा प्रेम इत्यादि के संपर्क से नहीं आता। हे राजन, तू दूसरे में उतर जा, वह तू ही है। सारा संसार जिस चेष्टा में पड़ा है उसके पीछे मन का एक तर्क है। वो तर्क क्या है? वो तर्क ये है, मन कहता है कि आज तक जो भी पाया वह परिश्रम करके पाया, पदार्थों को इकट्ठा करके पाया, इंद्रियों के द्वारा सुख लेकर पाया, प्रेम से पाया, और मन के पास कोई अनुभव ही नहीं है। सुख लेने का मन के पास और कोई अनुभव ही नहीं, और मन का ये तर्क जचता है। मन कहता है अगर कुछ करेगा नहीं, प्रयास नहीं करेगा, तो तुझे मिलेगा कैसे? अब तक मैंने जो पाया प्रयास करके पाया। और मन का ये तर्क ठीक लगता है। और अष्टावक्र भी कहते हैं कि हे राजन, एक सुख ये भी है लेकिन क्षणभंगुर है, टिकाऊ नहीं है, अखंड धारा इसकी है नहीं, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है। और दूसरा सुख जो पदार्थों से नहीं मिलता,
जो भोग विलासों से इंद्रियों के माध्यम से नहीं मिलता, जो घृणा और प्रेम से नहीं मिलता, जो स्वयं से मिलता है। सीधा सरल सूत्र, सभी झंझट खत्म कर दिए अष्टावक्र ने, सभी दुविधाएं, सभी प्रयास समाप्त कर दिए अष्टावक्र ने। हे राजन, तू दूसरे में उतर जा, वो ही तू है। मन की यही भ्रांति है। लोग कहते हैं कि हमें सुख आता है, लेकिन वो धारा प्रवाह नहीं रहता, टूट जाता, अखंड नहीं होता। आता है, रस देता है, चला जाता है। अष्टावक्र भी यही बात कहते हैं, और फिर दूसरी बात भी कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि इस सुख के पीछे दुख भी आता है। एक सुख ऐसा है जिस सुख के साथ दुख संलिप्त रहता है। फिर जब तुम सुखी होते हो तो नाचते, गाते, गीत गुनगुनाते, और जब वह लम्हा विदा हो जाता है तो फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो, क्योंकि इस सिक्के के पहलू दो हैं और दोनों विपरीत हैं। ये ऐसा सिक्का है जिसके पहलू दो हैं और दोनों विपरीत हैं। सुख आएगा तो थोड़ी ही देर में विदा हो जाएगा, फिर दुख आएगा तो थोड़ी ही देर में विदा हो जाएगा। इसलिए कवि इसी ठीक कहते हैं कि अगर रात काली अंधेरी हो तो चिंता मत करना, क्योंकि ये एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आया है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख आया है, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर जो है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सहरा, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अगर दुख गहरा है, मेघ काले है, कुछ सूझता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, तो कवि कहता है कि सुबह करीब है, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मन को तसल्ली देने के शब्द और सच, जब सुख आए
तो बराबर ख्याल रखना कि दुख यहां कहीं करीब है। उसमें अपनी सुध बुध को गवा मत देना। सुख आया तो समझ लेना कि दुख कहीं करीब ही पास बैठा है, ताक में है कि ये सुख विदा हो जाए और मैं जाऊं। और दुख आया, और इतना भारी दुख आया, तो घबराना मत, सुख भी ताक में बैठा है कि कब ये दुख विदा हो जाए और मैं जाऊं। ये सुख दुख का खेल, धूप और शाम का खेल तुम्हारे जीवन के ऊपर सदा ही चलता रहता है, जीवन से मृत्यु पर्यंत। और तुम इसमें उलझे 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 अपना जीवन बता देते हो। तो अष्टावक्र बहुत कीमती सूत्र बताते हैं। एक सुख वो है जो पदार्थों से मिलता है, जो इंद्रियों के भोग विलास से सुख मिलता है, जो प्रेम और घृणा आदि से मिलता है, वह सुख अखंड नहीं है। वह सुख आज है, कल नहीं होगा। इसलिए हे राजन, इस सुख में तू उलझ मत। इस सुख में इतना रसीला मत हो जा कि दूसरे पहलू को भूल ही जाए। अगर जीवन जीते जी तुझे मृत्यु याद रहेगी, तो मृत्यु की वेला बड़ी सुगंधित होगी, बड़ी आनंददायक होगी। अगर तू जीते जी मरना सीख गया, विपरीत धुरियां हैं, कहां मृत्यु कहां जीवन। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं एक ही है, छोर दो हैं, धागा एक है। इसलिए ही तो जीवन जीवन से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। धागा एक है, एक छोर से शुरू होता है, दूसरे छोर पर समाप्त हो जाता है। तो दो कहां हुआ, एक ही हुआ। एक ऐसा सुख है जो अनित्य है, जो नित्य नहीं है, जो अखंड नहीं है, जो खंडित हो जाता है, वो पदार्थों से मिलता है। वो भोग विलासों से मिलता है, वो इंद्रियों से मिलता है, वह प्रेम से और घृणा से मिलता है। तुम उस सुख को त्याग दे। क्या कह रहे हैं, थीम क्या है, रस क्या है, अष्टावक्र के कहने का? जो बाहर से मिलता है, जो बाहरी जगत से मिलता है, वह अनित्य है, उसको छोड़ते हैं। मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, फोन भी आते थे, अब बंद हो गए। बाबा कब लाओगे? तुम्हारे पास आना चाहता है, मुद्दत बीत गई, 3 वर्ष से ज्यादा हो गए पुकारते, एक बार तो आ जाने दो। बस ये बाहर से सुखों की तलाश, चौंकना मत, गुरु भी बाधा है। अगर तुम गुरु की शरण में जाते हो, को एक बात समझ लेना कि तुम्हारा मन ही कोई खेल कर रहा है। अब इस सूत्र पे चौंकना मत, यह सूत्र बड़ा चौंकाएगा।
तो अष्टावक्र कहते हैं कि बाहर के पदार्थ और बाहर के इंद्रियों के द्वारा लिए गए भोग विलास और बाहर की घृणा और प्रेम, बाहर का गुरु आपको अखंड सुख नहीं देगा। बड़ी क्रांतिकारी वचन है, अद्भुत वचन है, ऐसे वचन कभी किसी ने कहे ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं गुरु को भी त्यागते हैं, क्योंकि गुरु भी बाहर है और मन की ये चाल है कि जो मिला है बाहर से मिला है सदा से और प्रयास से मिला है, तो परमात्मा भी बाहर से मिलेगा और प्रयास से मिलेगा। ये दो तर्क, मन देता है, मन कहता है देखो मैंने ये चार मंजिला भवन इकट्ठा किया, अगर कुछ ना करता, प्रयास ना करता, परिश्रम ना करता तो कैसे बन पाता। मन ठीक कहता है, लेकिन मन ठीक कहता है पदार्थों के लिए, पदार्थ प्रयास के बिना इकट्ठे होते ना। मन का तर्क बिल्कुल ठीक है, और उन पदार्थों से जो आप रस लेते हो, जो भोगों से आप रस लेते हो, जो प्रेम और घृणा से आप रस लेते हो, जो गुरुओं के पास बाहर जाके आप रस लेते हो, वह अनित्य है। इसलिए तो गुरु के पास आने के बाद वह सुख टूट जाता है। तुम्हारी भ्रांतियों को, तुम्हारी पकड़ों को तिड़ तिड़ करके यह शब्द तोड़ दे। और अष्टावक्र ऐसे खिलाड़ी हैं कि तुम्हें जरा भी कहीं से चिपकने का कोई मौका नहीं देते। वो कहते हैं इन पदार्थों के इकट्ठा करने में तो वक्त गंवा ही मत, इन पदार्थों से जो भोग विलास के जरिए इंद्रियों का सुख तू पाएगा वह अनित्य है, और घृणा और प्रेम से जो सुख और सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी वह अनित्य है। तो गुरु को भी त्यागते हैं, ये भी तुम्हारे मन का ही खेल है। अद्भुत वाक्य है, गुरु को भी त्याग दो, बिल्कुल त्याग दे, क्योंकि ये मन की चाल है कि जो मिला वो बाहर से मिला। इसलिए परमात्मा भी बाहर के गुरु से मिलेगा, और मन की इस चाल को गुरु भुना लेते हैं। गुरु तुम्हें अपने पाश में बांध लेते हैं, फिर बंधन चाहे धन का हुआ चाहे गुरु के प्रेम का हुआ, बंधन तो बंधन ही है। लोहे की जंजीरों में बंधो के सोने के आभूषणों में बंधो, हथकड़ियां तो हथकड़ियां ही हैं, बंधन तो बंधन ही है। आभूषणों की तरह लगते हैं इसलिए ज्यादा तेज बंधन है। लोहे की जंजीरों को तो आप त्यागने में खुद भी इच्छा रखते हो कि मैं इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं, लेकिन सोने के बंधन तो बंधन जैसे मालूम नहीं पड़ते। सोने की हथकड़ियां और सोने की जेलें और सोने की शलाखें, ये तो तुम्हें आभूषण जैसी नजर आती है। इसलिए सोने के आभूषण मन त्यागने का दिल ही नहीं करता। गुरु सोने का आभूषण है,
क्योंकि उसके पास में तुम ऐसा बंध जाते हो। वह एक तरह की गूंद है, वो गूंद चाहे धन की हो चाहे गुरु को चिपकाती है। और गुरु की गूंद तो इतनी प्रबल रूप से चिपकाती है कि उससे छूट पाना आसान नहीं होता। मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, बाबा और कितनी देर, सुकून मिलता है क्षणिक होता है टूट जाता है, अखंड सुख कब मिलेगा? जब तुम्हारी सारी गोंद जो तुमने चिपका रखी है उससे तुम छूट जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए बड़ा अद्भुत वचन है, पदार्थों का मोह तो सताता ही है, पदार्थों से लिए गए भोग विलास तो तुम्हें बांधते ही हैं। घृणा और प्रेम, बड़ा सुंदर शब्द कहा, प्रेम, प्रेम भी बांधता है, प्रेम भी एक प्रकार का सूक्ष्म मोह है। लेकिन हमारा मन तो कहता है कि शास्त्रों में लिखा है प्रेम है द्वार प्रभु का, बिल्कुल ठीक है, प्रेम द्वार का, प्रभु का द्वार है, इसमें तनिक भी असत्य नहीं है। लेकिन प्रेम द्वार है, प्रेम प्रभु नहीं, यह बात समझ लेना। द्वार पे लाकर खड़ा करते तो वहीं उलझ जाओगे, दरवाजे को खोल ना पाओगे और प्रभु की मूर्ति के दर्शन तुम्हें कभी नहीं हो पाएंगे, द्वार तक ही लेके जाता है। तो अष्टावक्र बड़े समझदार है, अष्टावक्र तुम्हारी सब चिपकाहटों को ऐसे जीर्ण शीर्ण कर देंगे कि तुम्हें वो आनंद की प्राप्ति हो ही जाएगी। मुझे लोग रोज पूछते हैं, रोज बोलने के बावजूद पूछते हैं, और मैं रोज वही बात बोल देता हूं, रोज वही बात पूछ लेते हैं। बाबा स्वयं के भीतर उतरे कैसे? तो मेरा वही जवाब के सब पकड़ों को छोड़कर, ये पकड़ों को कैसे छोड़े? इसको ऐसा समझो जैसे एक कुआं है और उसके ऊपर बड़ी मोटी पाइप लगी है, आप उस पाइप को दोनों हाथों से पकड़कर कुएं के ऊपर लटक रहे हो और तुम चिल्ला रहे हो, हाय मैं कुएं में जाऊं कैसे? कुएं के ऊपर खड़े हो, कुएं के ऊपर जो पाइप लगा रखी है मोटी पाइप जिसके ऊपर फिरनी घूमती है, उसके ऊपर तुमने हाथों से पकड़ मजबूत बना रखी है और तुम कहीं तुम्हारी पकड़ छूट ना जाए और तुम कुएं में गिर ना जाओ, मन इसका खौफ खाता है। मृत्यु से डरे डरे तुम उसको और जोर से पकड़ लेते हो और चिल्लाते भी रहते हो कि मैं कुएं में जाना चाहता हूं, कैसे जाऊं? तो अष्टावक्र का सिद्धांत बिल्कुल साफ है, वो कहेंगे कि अपने आप ही चले जाओगे,
कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रयास रहित होना पड़ेगा। ये कुएं की पाइप को पकड़ना और तेजी से पकड़ना और जोर से पकड़ना एक प्रयास परिश्रम है। तब तक लटके रहोगे और ये लटकना तुम्हें दुख देता है। फिर तुम कहते हो मैं दुखी बहुत हूं बाबा, संसार में कुछ है ही नहीं, भोग विलास में कुछ भी नहीं। कुछ क्षणों का सुख बस द्रोहित हो जाता है, मैं क्या करूं। इस पकड़ को छोड़ता हूं। जिस श्रम से तुमने इस पाइप को पकड़ रखा है और तुम्हारी इच्छा है कि मैं उस कुएं के शीतल जल में उतर जाऊं, इच्छा सभी की यही है कि मैं उस कुएं के शीतल जल में कैसे डुबकी लगा दूं, लेकिन स्वयं की मृत्यु का खौफ तुम्हें रोक लेता है। स्वयं की मृत्यु का खौफ तुम्हें रोक लेता है। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। अगर यह तुम्हारे गहरे में उतर गया तो तुम्हें और प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। खौफ है, दिखता है कि अगर मैंने हाथ छोड़े तो कुआं है, और सुना है कि कुएं में डूब जाया करता है, और पक्का है कि ऐसे मैं बचा रहूंगा। पाइप को जोर से पकड़ लेते हो, मृत्यु का भयक पाता है, नीचे झकते हो तो पाते हो कुआं है। बस ये छोड़ नहीं पाते, तुम दोहरे दोहरे व्यक्तित्व में जी रहे हो। कुएं में उतरना भी चाहते हो, रोज पूछते हो बाबा मैं अपने ही भीतर कैसे उतर जाऊं जैसे कुएं में उतरते। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, इससे ज्यादा अष्टावक्र आपको क्या सफाई दे। ऊपर जिस पाइप के साथ तुम चिपटे हो, जो पदार्थों की पाइप, जो भोग विलासों की पाइप, जो घृणा और प्रेम की पाइप, जो गुरुओं के साथ चिपक जाने की पाइप, जो प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ चिपक जाने की पाइप, जो सुखों और संबंधियों के साथ चिपक जाना, जो संसार के पदार्थों और भोगों के साथ चिपक जाना, ये तुम छोड़ना नहीं चाहते। और ध्यान रखना, छोड़े बिना कुआं आपको खींचेगा नहीं। बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति। फिर तुम कहते हो कि मैं बड़ा वीर हूं, मैं मरने से डरता हूं। जो मरने से नहीं डरते वह तो अपनी पकड़ को छोड़ दिया करते हैं। इसलिए सभी संतों ने अलग अलग भाषाओं में मृत्यु को वर्णन करने का उपदेश दिया। मरो हे जोगी मर, बिल्कुल साफ। जरा भी तो इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, जरा भी तो वेलफेयर नहीं है इन शब्दों में। गोरख कहते हैं मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। कबीर कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। इन्होंने भी ऐसा ही डर माना था, ये भी कभी मरने से डरे थे, और इन्होंने कुएं के ऊपर की पाइप को बड़ी तेजी से पकड़ लिया था। जैसे ही तुम्हें मृत्यु का भय सताता है, तुम पाइप के ऊपर से पकड़ को और मजबूत बना लेते हो, और ये मजबूती ही तुम्हें उस शीतलता का आभास होने नहीं देती।
प्रेम पंथ ऐसो कठिन, एक हिसाब से कठिन बहुत है। एक परिप्रेक्ष्य से देखोगे तो बड़ा कठिन है, अहंकार की दृष्टि से देखोगे तो बड़ा कठिन, क्योंकि अहंकार मरेगा, इल्यूजन मरेगा, भ्रम मिटेगा, मरेगा। और ये मरना बड़ा दुख देता है, मरने की सोच ही बड़ा दुख देती है। मेरे मन आनंद, कबीर कहते हैं मेरे मन में बड़ा आनंद है, मैं उस शीतल जल में खिलवाड़ करूंगा, मैं उस शीतल जल का हिस्सा बन जाऊंगा, मैं उस ओशन का बूंद समानी समुद्र में मैं एकाकार हो जाऊंगा। मरने ही से पाइए, देखिए सूत्र का बिल्कुल एकमात्र फिक्रा, कबीर कहते हैं दूसरा कोई हल ही नहीं। तुम कितने ही हल खोज लो संसार में, मृत्यु को भूल सकते हो, मृत्यु को टाल नहीं सकते। और तुम जो फूले फूले फिर जगत में कैसा नाता रहे, जगत में फूले फूले फिरते हो तो समझ लेना उस वक्त भूले भूले फिरते हो। जैसे ही मृत्यु को तुम भूले वैसे ही तुम फूले फूले। जैसे ही मृत्यु याद आई तो तुम्हारा सारा प्रयास इकट्ठा करने का जुनून, तुम तो परमात्मा को भी बंधन का एक कारण बना देते हो, प्रेम को भी बंधन का एक कारण बना देते हो, जबकि ये तो मुक्ति का कारण है। भला प्रेम भी किसी को बांधता है, भला परमात्मा भी किसी को बांधता है, लेकिन हां बांधता है। अगर प्रेम को आप इच्छा बना लोगे तो तुम्हें बांधेगा, अगर परमात्मा को और मुक्ति को आप इच्छा बना लोगे तो ये मुक्ति ही परमात्मा ही बंधन हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल मामला है। तुम इस पकड़ को छोड़ नहीं पाते और पक्की गोंद लगा के तुम इस संसार में सराय नहीं घर बना लेते, पक्के मकान। बढ़िया सा सरिया डालना है, बढ़िया सा सीमेंट डालना है, बढ़िया से कारीगर से बनवाना है और सुंदर डिजाइनिंग करनी है। भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता है, ये भूले भूले हुए की निशानी है। जो तुम चित्रकारी करते हो और बड़े खुश होते हो, आ झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा टांग देते हो। भला झंडा कभी ऊंचा रहा, झंडे के साथ डंडा, झंडा और डंडा कभी ऊंचे नहीं रहते, एक दिन झुक ही जाते। लेकिन तुम ऐसे खिलाड़ी हो, तुम कहते हो कि सदा से ये झंडा ऊंचा रहे, लेकिन अष्टावक्र बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो सुख तुम्हें दुख में जाके छोड़ देता है और फिर वो दुख तुम्हें सुख में जाके छोड़ देता है, ये छैयां धूप का खेल पदार्थों से तुम्हें मिलता है, भोग विलासों से तुम्हें मिलता है, प्रेम और घृणा से तुम्हें मिलता है। और बड़ी खतरनाक बात करते हैं,
जो बात गुरु गोविंद सिंह ने कही। गुरु गोविंद सिंह की बात अष्टावक्र से बिल्कुल मेल खाती है। बाहर के गुरु को गुरु मत बनाओ, उलझने की संभावना है। पकड़ छूटे से छूटेगी नहीं। ये ऐसा मोह है, बाकी मोहों को तो तुम त्याग दोगे। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा अगर आप नहीं बुलाते तो हम किसी और के पास चले। भाई मैंने कहां रोका? मेरे प्रवचनों को सुन लेते हैं और प्रवचनों को सुन के कह देते हैं बाबा हम चले। तो मैं कहता हूं बताने की भी क्या आवश्यकता थी, चले ही जाते, इसके भी कोई आवश्यकता थी? मेरे से पूछ के आए थे, चले भी जाओगे तो हर्जा क्या है? मैं एक व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये है कि 100 व्यक्ति जो पहुंचना ही नहीं चाहते, जो डरे हुए कंपे हुए लोग हैं, जो कुएं के ऊपर लगी हुई पाइप को बड़े जोर से पकड़े हुए हैं, वो तो मुझे सुनना ही छोड़ते हैं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं उस एक व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं जिसे पता ही नहीं बेचारे को कि इस पकड़ को छोड़ने से मैं उस समुद्र में, उस कुएं में डूब जाऊंगा। बस मैं सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूं। और मुझे पता है कहीं ना कहीं गहरा रोज गहरा हो जाता हूं, रोज गहरा हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जैसे कटती हैं मान्यताएं, धारणाएं जो तुमने थोप ली, जैसे जैसे कटती जाएंगी मैं और गहरा चला जाऊंगा, तुम्हारे अचेतन के भीतर घुसता चला जाऊंगा। वहां भी बंधन है और मैं जानता हूं भरी भांति कि इन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। जिस चरम सुख की तुम अभी राशा किया, मैं उसको क्रियान्वयन कर रहा हूं तुम्हारे बिना बताए, तुम्हारे बिना कहे। मैं रोज तुम्हारे अंत में और गहरा और गहरा और गहरा अचेतन में और गहरा हो जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये सारी वासनाएं, ये सारी कलिंगनेसेस, ये सारे मोह, सारे स्मृतियां पिछले जन्मों की और अगले जन्म की सारी कल्पना वासना, हम ये हो जाएं, हम वो हो जाएं, पिछले जन्म में पूरी नहीं हो सकी लेकिन साथ लेके जन्म लेते हो दूसरे जन्म, तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अचेतन में भरी पड़ी। ये एक धूल है जो तुम्हें दुख दे रही है निरंतर रात भर दिन। न दिन का सुकून आता है, न रात को चैन आती है। वो एक व्यक्ति जिस बेचारे को पता ही नहीं कि नीचे कुआं है और मैं अगर इस पकड़ को छोड़ दूंगा तो उस कुएं के शीतल जल में स्नान करूंगा, मुद्दतों से स्नान नहीं किया। तुम स्नान करते हो तीर्थों में, तुम स्नान करते हो नदियों में, पवित्र नदियों में, संगम में, तुम स्नान करते हो कुंभ के मेलों में, तुम हाजी बनते हो, हज करते हो, तुम काबा मक्का मदीना जाते हो और हाजी कहलाते हो। ये तुम्हारे अहंकार में गहने की तरह
जुड़ जाता है। मैं हाजी, मैं मक्का मदीना जाके आया, ये मैं और मजबूत हो जाता है। बाबा ने कहा है, तीर्थ नामा जे तिस पार। जिस तीर्थ में नहाने की बात संत करते हैं, वो तुम्हारे इच्छा से नहाया नहीं जाता उसमें। तो बाबा कहते हैं, उसकी इच्छा से ही स्नान होता है। वही खेल खेल रहा है, अपनी सृजना के साथ आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलनहारा। अपनी सृजना के साथ खेल खेल रहा है, तुम्हारा क्या ले रहा है? लेकिन तुम कहते हो, हाय लुट गया, हाय पिट गया। जाता तुम्हारा कुछ नहीं, बनाया तुमने कुछ नहीं, बिगड़ेगा तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन तुम चिल्लाए चले जाते। तो मैं पूछता हूं कि तुम्हारा क्या चला जाएगा? जब तुमने बनाया ही कुछ नहीं, तो तुम्हारे से छीन क्या जाएगा? छीन तो तब जाता अगर तुमने कुछ बनाया होता। जा कर्ता सृष्टि को साच है, जिस कर्तार ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, आप पे जाने सोई, वह ही जानता है कि उसने क्या करना है। तुम तो लाख अच्छा बुरा समझो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। मदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है? होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है, उसके चाहने से सब कुछ हो जाएगा। और तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये बात तुम्हें हजम नहीं आती, मन को हजम नहीं आती। सुख दो तरह के, एक वह सुख जो दुख में ले जाता है, वह तुम सारा संसार आज उसी सुख को भोग रहा है। ये पृथ्वी के ऊपर जितने लोग हैं, उसी सुख को भोग रहे हैं जो दुखों में भी ले जाता है। उसी जवानी को भोग रहे हो जो शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उसी स्वस्थता को तुम मान रहे हो जो स्वस्थता एक दिन रोग में बदल जाती है। उसी शरीर का आनंद ले रहे हो जो एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उसी धन को इकट्ठा कर रहे हो जो एक दिन छूट जाता है। तुम छोड़ना चाहो या ना छोड़ना चाहो, लेकिन मृत्यु तुमसे छोड़वा लेती है। बस मन की दृष्टि अल्प है, मन ज्यादा दूर तक सोच नहीं सकता, इसलिए उलझा उलझा रहता है। लेकिन अष्टावक्र इस पकड़ को खत्म करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि जनक को उन्होंने एक वायदा किया है कि मैं घोड़े की एक टाप से दूसरे टाप पर जाने के लिए जितना वक्त चाहिए उतने वक्त में तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दूं। तुम बात करते हो इस जीवन में परमात्मा को पाने की, लेकिन हे जनक, मैं तुम्हें इति देर में ही परमात्मा तक पहुंचा दूंगा। और जितनी देर कम लगेगी सूत्र उतने ही खतरनाक है, यह भी समझ लेना। तुम भागे भागे पूछते हैं, बाबा कोई मुक्ति का उपाय बता दो, तो फिर तुम्हें ऐसा बाबा मिल जाते हैं जो कहते हैं, ये लो, ये जपते रहो और दौड़ते रहो। और एक दिन बिलीनियर ट्रिलीनियर बन जाओगे, और वह मिल जाएगा जिसकी तुम्हें आकांक्षा है। मन को तो पहले से ही भ्रम है के पदार्थ में सुख है, मन को तो पहले से ही भ्रम है कि गद्दियों में सुख है, कि भोगों में सुख है,
मन को तो पहले से ही यह भ्रम है। तुम उस भ्रम को और गहरा कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई रियायत अष्टावक्र नहीं करते। अष्टावक्र ऐसे तीर हैं जो चुभ ही जाते हैं, सीने में लगते हैं सीधे। जरा भी आपके साथ कोई समझौता नहीं करते अष्टावक्र, किसी तरह का कोई समझौता नहीं, कोई सामंजस्य नहीं, सीधी सीधी बात, सीधा सीधा रोग, सीधा सीधा मर्ज की दवा अष्टावक्र देते हैं। और अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारी पकड़ ही तुम्हारे दुखों का कारण है। और बड़े मजे की बात है, ये पकड़ तुम्ही ने की है और तुम्ही ने पकड़ा है इस पाइप को बड़ी जबरदस्त तरीके से और तुम्ही छोड़ते नहीं। तो फिर अष्टावक्र तुमसे जबरदस्ती इस पकड़ को छुड़वा लेते हैं। वो तुम्हारी पकड़ों पे ऐसा प्रहार करते हैं थोड़ी छेड़ी का कि तुम्हारी पकड़ छूट जाती है और एक बार तो तुम कंपते हो कि हाय अब मेरा क्या होगा। अंतिम वेला पे जाके यही होता है। बस उस अंतिम वेला में जाकर तुम जितना कंपते हो, क्योंकि आमना सामना होता है मृत्यु के साथ, और तुम सूखे पत्ते की तरह कपने लग जाते हो। मृत्यु सामने खड़ी है और तुम कुएं के भीतर जा रहे हो। वहां जिसने स्वीकृत कर लिया उसे ही महावीर का खिताब मिलता है। उस मौत को जिसने स्वीकृत कर लिया उसी वर्धमान को महावीर का खिताब मिलता है। वही गौतम बुद्ध बनते हैं। दो तरह के सुख होते हैं, एक वो सुख जो दुख में ले जाता है, वो तो तुम सभी भोग रहे हो। संसार का प्रत्येक प्राणी इसी प्रकार के सुखों को भोग रहा है जो कि दुखों में अंततः ले जाता है, और फिर वो दुख सुख में ले जाता है। और तुम आशा में, इस आशा में कि ये दुख एक दिन सुख में बदलेगा, बदलता भी है, इतने हताश में तुम, इतनी जल्दी मत करना पिछले दरवाजे से निकलने की। दुख सदा ही सुख में परिवर्तित हो जाता है, और इतना घमंड भी मत करना सुख के क्षणों में, सुख सदा ही दुख में ले जाता है। जब सुख आए तो घमंड मत करना, जब दुख आए तो त्रस्त मत होना, कंपना मत। ये एक दूसरे के परिपूरक है, कि सिक्के के दो पहलू हैं। एक दिन सुख दुख में बदल जाता है और एक दिन दुख सुख में बदल जाता है। और जिस सुख को तुम इंद्रियों के द्वारा, पदार्थों के द्वारा, घृणा और प्रेम के द्वारा और गुरुओं के द्वारा भोग रहे हो, अष्टावक्र कहते हैं कि वो सुख सुख नहीं, वो सुख ऐसा सुख है जो तुम्हें एक दिन दुख में ले जाएगा। और तुम्हारी अंतस की तमन्ना ऐसा सुख पाने की है जो अखंड हो, जिसकी धारा कभी टूटे ना, जो रसीला, जिसका रुआ रुआ प्रेम से भरा हुआ, जिसका कण कण सुगंधी के स्वास से गुसा हुआ, जिसका पल पल नृत्य करता हुआ झूमता हुआ, जिसकी धारा कभी टूटे ना, ऐसी तुम्हारी अंतस की इच्छा है।
तुम्हारी आंतरिक जरूरत कुछ ऐसी है, वो धारा आनंद की जो कभी टूटती है। इसलिए ये शब्द मैंने अब पहली बार प्रयोग किया, आनंद सुख दुख में ले जाता है, लेकिन आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द है ही नहीं। जितने दुख मिलते हैं वो उसी जगह मिलते हैं जहां सुख मिलते हैं। इन शब्दों को अंडरलाइन कर, जितने दुख मिलते हैं वो उसी स्थल पे मिलते हैं जिस स्थल पे तुम्हें सुख मिलता है, और जितने सुख मिलते हैं वो तुम्हारी मृग तृष्णा की दौड़ के कारण मिलते हैं, और तुम्हारे मिले हुए सुख एक दिन दुखों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू। लेकिन अष्टावक्र न सुख की बात करते हैं, इस सुख की बात नहीं करते जो अंततः आपको दुख में भी ले जाता है, और फिर वो दुख आपको सुख में ले जाता है। सुख और दुख की इस धूप और छैया के खेल में आप जीवन कितने गुजार दिए हैं, बहुत जन्म बिछड़े मेरे माथो, कब आओगे उस आनंद में, कब सुख और दुख के इस खेल से मुक्त हो जाओगे, ये तो मन के खेल है। और उस आनंद में जाने के लिए इस पकड़ का त्याग करना होगा जिसे हम मन कहते हैं। ये मन एक गोंद है जो कि आपको सुख और दुख को पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से इधर भटकाए ही चला जाता है। कितने जीवन बीत गए, बहुत जन्म बीते मेरे बात है, जन्म तुम्हारे लिख, कभी कोई ऐसा जन्म आएगा जो उसके लेखे कर दोगे, बहुत जन्म बीते हैं, इसी जन्म को उसके लेखे कर दो अभी से। जितना भटक लिए भटक लिए, बहुत दौड़े बहुत भागे, कुछ ना मिला, मिलने का भ्रम था, सपना टूट गया, जो मिला वह टिकाऊ नहीं था, वह एक भ्रम जैसा निकला, एक स्वप्न जैसा निकला। जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न कब किसी के सदा से रहे हैं, स्वप्न एक दिन टूट ही जाता है, स्वप्न हो या शीशा हो ये टूट ही जाया करता है। जैसे ही आंख खुली तो स्वप्न टूट जाता है। तुमने जो कुछ बनाया सोए सोए बनाया, पदवी बनाई, धन बनाया, सुंदरता बनाई, सम्मान बनाया, घर बार बनाया, वाहन बनाए, पहचान बनाई, ये सभी सुखों का कारण है, लेकिन एक दिन ये सब टूट जाता है। कौन रहा है सदा के लिए इस सराय में, कौन रहा है? सभी को सराय एक दिन छोड़नी पड़ती है। दूसरी तरह का भी सुख है हे राजन, जो दुख में नहीं लेके जाता, जो सुख कभी दुख में नहीं लेके जाता, और जो सुख पदार्थों के द्वारा नहीं मिलता, और जो सुख इंद्रियों के भोग विलास के जरिए नहीं मिलता, जो सुख प्रेम और घृणा आदि भावनाओं से नहीं मिलता, और जो सुख गुरुओं के द्वारा नहीं मिलता, बड़ी अद्भुत बात है। जो सुख गुरुओं के द्वारा नहीं मिलता, हम तो गुरुओं के चरणों से चिपटे रहते हैं, तो फिर सुख मिलेगा कहां? बाहर के पदार्थों से
पंच तत्व के निर्मित इस गुरु रूपी पदार्थों के समूह से वो नहीं मिलता जो अखंड है। और तुम्हारा मन एक जगह से न मिले तो उस जगह को बदल लेता है। एक स्त्री से अतृप्त रहे दूसरी स्त्री खोज लेते हो, उससे भी अतृप्त हुए तो तीसरी खोज लेते हो, एक पुरुष से अतृप्त हुए दूसरा पुरुष खोज लेते हो, तीसरा खोज लेते हो। लेकिन मन है कि तृप्त कभी नहीं होता। मन का नाम ही वो है जो कभी तृप्त होता ही नहीं, उसे ही तो मन कहते हैं। मन कभी तृप्त नहीं होता। और तुम इन भुलेखों के अंदर पड़े पड़े मन के ही खिलवाड़ों से खेलते रहते हो। ये धूप छैया का खेल चलता रहता है। तो अष्टभक्त कहते हैं कि हे राजन, तू इस दूसरे सुख में उतर जा, तू छोड़ ऊपर की पकड़। और जैसे ही पकड़ को छोड़ेगा तुम्हारी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। बात तो सहज है, सरल है, इसे ही सहज योग कहते हैं। आज सहज योग के नाम पर जो पाखंड शुरू है वो सहज योग नहीं है। बस पकड़ को छोड़ देना सहज योग है। सभी प्रकार की पकड़ों से मुक्त हो जाना, सभी प्रकार की गोंदों से, जहां जहां तुमने अपना मैं चिपका रखा है उन गोंदों से मुक्त हो जाना। तो अष्टावक्र कहते हैं कि उसमें उतर जा राजन, बड़ा सुखदायक है, मंगलकारी है, बड़ा आनंद देगा और खुमारी देगा और मदहोशी देगा और सुगंधित वातावरण देगा। ये वैसा मुकाम है जहां तुम्हें कोई दुख संतप्त न कर पाएगा और कोई सुख उत्तेजित न कर पाएगा। इस भेद को समझ लो। इस भेद के भीतर बहुत गहरे रहस्य छिपे पड़े। सारे शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दो, इस एक श्लोक को हृदय में उतार लो कि ये कहना क्या चाहते हैं। सारे शास्त्र बेकार हो जाएंगे। उन शास्त्रों का सार है, सब कुछ छोड़ दे। तुम जैसे पत्नी बदल लेते हो वैसे ही गुरु बदल लेते हो। एक गुरु से कुछ नहीं मिला, दूसरे गुरु की तलाश शुरू हो जाती। पाओगे उससे भी कुछ नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो 10-10 गुरु बदल चुके हैं। तो मुझे पूछते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य ग्रहण कर लोगे? तो मैं कहता हूं कि अगर 10 में से तुमने किसी के ऊपर भी पूर्ण समर्पण किया होता तो तुम्हें मेरे पास आने की नौबत ना होती। तुम 10 के पास तो गए लेकिन समर्पण 1 के पास भी नहीं हो। तुम्हें झुकना आता है। जहां झुक जाओगे वहां उसके चरण पाओगे। जो वास्तविक गुरु है, ये गुरु तो पदार्थों से बना हुआ है। माना कि इस गुरु ने अपना स्वयं पहचान लिया है और कोई ज्यादा फर्क नहीं, और तुमने अभी अपना स्वयं पहचाना नहीं। परमात्मा तुम भी हो लेकिन सोए सोए परमात्मा। परमात्मा इस देह के
रूप में भी है लेकिन जागा जागा परमात्मा है, और तुम्हारा मन इस गुरु से चिपट जाता है। पदार्थों से चिपटना उसका स्वभाव है, दूसरे से मिलेगा। इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लो, दूसरे से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, बाहर से मिला है सब कुछ, बाहर से ही मिलेगा परमात्मा। इसी लोग ध्यान भी करते हैं तो आंखें खोल कर करते हैं, ध्यान में तो स्वतः ही आंखें बंद हो जाया करती हैं, ये स्वभाव है ध्यान का। ध्यान में ऐसी खुमारी के चढ़ जाती हैं आंखों की पुतलियां ऊपर, लेकिन हम तो ध्यान भी करते हैं तो आंखें खोल कर करते हैं, ऐसा कोई ध्यान होता नहीं। नए नए रोज नए नए फार्मूला इजाद हो रहे हैं ध्यान के, लेकिन लक्षण है नहीं ध्यान के। नाम ध्यान का दे दिया गया है, शुगर कोटेड है लेकिन है क्लोरोक्विन, वो ध्यान ही क्या जिसके आनंद में तुम्हारा सारा अस्तित्व सरा बोर ना हो जाए, तुम्हारा रुआ रुआ सुगंधित न हो जाए, तुम्हारा रुआ रुआ खुमारी से युक्त न हो जाए। और ऐसी परम खुमारी के अंदर अगर आंखें बंद नहीं होगी तो खुलेगी क्या? रात को सोए सोए तुम आंखें खोल के सो के दिखा दो, एक छोटी सी घटना जो तुम्हें थोड़ा सा रस देती है निद्रा, जरा आंखें खोले खोले सो के दिखा, नहीं आएगी नींद। जब एक छोटी सी घटना जो तुम्हें सिर्फ सारी रात का फ्रेशनेस देती, सुबह उठते हो तरोताजा उठते हो, वो भी आंखें बंद करके ही मिलती, तो ध्यान जैसी महा रसदार घटना, महाकुमारी की घटना, महामद होशी और सुगंधित घटना तुम्हें आंखें खोले खोले कैसे बनी? इन भ्रांतियों को तोड़ दो, इन भ्रांतियों को समूल जड़ से नष्ट कर दो। ये गलत है, ये लोग कभी ध्यान में गए थे जो आपको ऐसा प्रचार करते हैं कि खुली आंखों से ध्यान होता है, इन्होंने कभी ध्यान का स्वाद चखा नहीं। सहज भी आप जब ध्यान में होते हो तो आप आदमी की आंखों की तरफ देखना, आंखें बंद हो जाएंगे, सबसे पहला इफेक्ट आंखों पे पड़ता है। सुरूर उतरा, खुमारी उतरी, मदहोशी छाई, किसकी मजार है कि आंखों को खोल दें? स्वाभाविक घटना है कि आंख बंद हो ही जाएगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मैंने समझाया कि आप नींद में जाने के लिए आंखें खोल के सोने का अभ्यास करो, तो फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कब नींद आ गई लेकिन आंखें बंद हो जाएंगी। तो ऐसे पागलपन के ध्यानों में मत पड़ना, ऐसा कोई ध्यान नहीं होता है। दो तरह के सुख होते हैं राजन, एक सुख पदार्थों के द्वारा मिलता है, पदार्थों के द्वारा भोग विलास में जो रस आता है, घृणा और नफरत और प्रेम, और जो गुरु के सानिध्य में आनंद आता है, प्रेम खुशी, वह भी अनित्य है। ऐसे सुख को तू त्याग दे, अद्भुत वाक्य है। ऐसा अष्टावक्र जैसा गुरु ही इन शब्दों को बोल सकता है, अन्यथा लोभी गुरु कहेगा चिपट जा, गुरु के साथ चिपट जा और मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा और मृत्यु के वेला में आऊंगा और सच्चे खंड में ले जाऊंगा।
लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कोई सचखंड नहीं बाहर। सचखंड तुम ही हो जहां तुम्हारा निवास है, क्योंकि तुम सत्य हो और तुम जहां निवास करते हो वही सचखंड है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सत्य तुम्हारे भीतर है और उस खंड में जहां तुम खुद विराजमान हो, बाहर तो झूठ है, सत्य तो भीतर है। बस यही बताना चाहते हैं अष्टावक्र। गीतांजलि, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ये तुम्हारी बहुत सी तारों को तोड़ देगा और तुम आगे से भी ज्यादा रिलैक्स महसूस करोगे, क्योंकि बहुत से बंधन छूट जाएंगे। कई बार कुछ लोगों को आखिरी बंधन बांधे रखते हैं। महावीर के शिष्य गौतम की बात मैं अक्सर सुनाया करता हूं। गौतम को इतना प्रेम हो गया था गुरु से, रात दिन उनकी सेवा करता है और 70 साल के गुरु वृद्ध हो गए थे, दिन भर रात नहलाता सेवा करता, पांव दबाता, खाना परोसता, चिपकाहट हो गए। गुरु की सुगंधि में बैठा बैठा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चिपक गया। मन का दोष नहीं, उसकी अंतर प्रज्ञा से जो सुगंध बिखरेगी, जो ज्ञान बिखरेगा, जो खुमारी बिखरेगी, उसे जब तुम पियोगे और उसकी मदहोशी के आलम में तुम भी झूमोगे तो स्वाभाविक है कि गुरु के मोहपाश में तुम बंध जाओ। अच्छा किया, आखिरी शब्द प्रयोग किया गुरु, गुरु भी तुम्हें बांध लेता है। इसलिए गुरु को बदलने की चेष्टा मत करना, झुकने की कला सीखने की चेष्टा कर। गलती तुम्हारे में, गुरु तो पहुंच लिया, गुरु तो कब का मर चुका है। गुरु आज तुम्हें दिखता है देह में बैठा, लेकिन उसके भीतर का इल्यूजन तो कभी का भंग हो गया, वो तो कभी का मर चुका है। जीवित तुम्हें लगता है पदार्थ के रूप में, लेकिन गुरु का मोह भंग हो गया, गुरु का इल्यूजन टूट गया, भ्रम टूट गया कि मैं हूं कौन। तो कहने लगा, गुरु जी जब आप शरीर का त्यागन करो, मेरी मौजूदगी में त्यागन करना। महावीर ने कहा ठीक है, लेकिन महावीर जानते थे कि मेरे मोह पाश में इतना बंध गया है, ये मेरे पास को ये तोड़ नहीं पाएगा, शरीर त्याग करना पड़ेगा इसकी गैर मौजूदगी के अंदर। और जिस दिन शरीर का त्याग करना था उस दिन गौतम से बोले, गौतम जाओ भिक्षा ले आओ, और आज तुम अकेले ही भिक्षा लेके आना, सभी के लिए, सभी ग्रामों से थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन सभी ग्रामों से भिक्षा लेके आना। ठीक है, गने से पत्र उठा के वो चला, एक गांव से दूसरे गांव से भिक्षा को एकत्रित करता रहा। और महावीर ने शरीर त्याग करना था, महावीर वृक्ष के नीचे बैठ गए और पूछने लगे शिष्यों से, कौन सा नक्षत्र चल रहा है? हस्त नक्षत्र चल, तो महावीर ने कहा जैसे ही हस्त नक्षत्र पूरा हो जाए और चित्रा शुरू हो जाए मुझे बता देना। शिष्य ने कहा ठीक है,
जैसे ही हस्त नक्षत्र की समाप्ति हुई, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव हस्त समाप्त हो गया, चित्रा शुरू हो गया। और महावीर ने आंखें बंद की और पंछी पिंजड़े से बाहर निकल गया। देह टिक गई वृक्ष के सहारे, समाधिस्थ अवस्था में बैठे बैठे प्राण त्याग। खबर आग की तरह फैल गई और ये खबर भिक्षा लेकर आते हुए भरपूर पात्र भरे पड़े थे, सभी के लिए अकेला भिक्षा मांग कर लाए थे। तो किसी जाती हुई स्त्री ने कहा, अरे गौतम तू क्या बात हुई, तुम्हारे गुरु ने देह त्याग कर दिया है, तुम कहां फिर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं था। उसका शरीर कंपने लगा, महान कंपन, सारा शरीर कंपने लगा, हृदय धड़कने लगा, सब भिक्षा पत्र फेंक दिया और भागा तेज गति से, द्रुत गति से। और गया तो देखा भीड़ इकट्ठी, सभी शिष्य मौन बैठे हुए और महावीर परम मौन में हतप्रभ रह गया देखकर। उस अवस्था में बैठे हुए गुरु को देख रोया, पांव से चिमट गया, लिपट गया, गुरुदेव आपने ये क्या किया, बहुत रोया बहुत रोया। सारी चिपकाहट इस रोने ने खत्म कर दी, अश्क सारे उस चिपकाहट के आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल गए। और एक वक्त ऐसा आया कि अश्क थम गए। जब रो धो लिया तो गुरु भाइयों से पूछा कि मेरे लिए भगवान ने जाते हुए कोई आदेश छोड़ा है। तो भगवान महावीर एक पर्ची देकर गए थे कि ये गौतम आएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तुम शांत बैठे रहे, और जब वो शांत हो जाए आपसे पूछे कि मेरे लिए कोई आदेश, तो फिर ये पर्ची उसे दे देना कि तुम्हारे लिए ये आदेश। तो उसने जल्दी से पर्ची खोली, जल्दी से पर्ची खोली और पर्ची में लिखे थे चार शब्द, गौतम तेरी नैया किनारे के साथ लगी और तू बाकी सारे मुकामों को छोड़कर किनारों से चिपटे बैठा है, ले आखिरी किनारा भी गया, अब इस मोहपाश को छोड़ते हैं। ये अंतिम शब्द गौतम किनारे पे था। गुरु की सेवा शुश्रूषा और उनके सानिध्य में होने के कारण उसके सारी चिपकाहटें पहले से ही खत्म हो गई थी, एक चिपकाहट बची थी गुरु से मोहपाश की, ये अंतिम बाधा भी त्याग दे। और ये शब्द, तो किनारे पे खड़ा, तेरी किश्ती किनारे से लगी, लग चुका है, बस अब तू छलांग ले ले। जिसके मोहपाश में बंधा बंधा तू किनारे पे कूद नहीं रहा था, बस अब कूद जा, वो किनारा भी गायब हो गया। तत्क्षण गौतम का आखिरी मोहपाश बंधन टूट गया और वह अपने स्वयं के भीतर प्रतिष्ठित हो गया, वह प्रबुद्ध हो गया और वहीं चौकड़ी मार के बैठ गया। गौतम प्रबुद्ध,
गुरु जानता है कि अंतिम बाधा गुरु है, इसलिए बीच बीच में काटता रहता है, थोड़ी थोड़ी गोंद को उखाड़ता रहता है और थोड़ी थोड़ी गोंद को उखाड़ते उखाड़ते अंतिम वेला में तुम्हें तंग नहीं होना पड़ता। जब तुमने जंप करना होता है बिल्कुल अपने स्वयं में, तब तुम्हें इतनी मुश्किलात नहीं आती। अगर गुरु ये शब्द बराबर कहता रहे कि एक दिन मैं चला जाऊंगा, तुम बीच बीच में से रोते हो चिल्लाते हो, थोड़ी सी चिपकाहट टूटती है। इस चिपकाहट को बराबर थोड़ी थोड़ी अरसे के बाद गुरु तोड़ता रहता है। यही सही गुरु की निशानी। गलत गुरु तो आपसे कहेगा बस मेरे पास बैठो, मेरी उंगली पकड़ लो, मैं तुम्हें सचखंड में ले जाके छोड़ूंगा। सचखंड कोई बाहर नहीं, सचखंड तुम ही हो। निरंकार सचखंड वसै निरंकार, वो निरंकार जो तुम हो, तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है, वो तुम्हारे भीतर ही जो सचखंड है उसमें निवास करता है। और जब तुम सभी चिपकाहट से मुक्त हो जाते हो तो तुम उस सचखंड में तलाश जंप लेते हो। जब तुमने सारी पकड़ों को छोड़ दिया तो जहां तुम जाते हो वो सचखंड है। यहां किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि गुरु को त्यागने की आवश्यकता होती। यहां किसी गुरु के पाश में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती, वरन गुरु के पाश से मुक्त होने की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर मुक्त होना चाहते हो, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इतने अनंत जन्म तुमने बता दिए और फार्मूला बड़ा सरल है। पहला तुम्हें तुम्हारे तक आने के लिए कोई सफर तय करना होता है। तुम कहते हो कि मैं स्वयं तक पहुंचना चाहता हूं, बाबा कोई तरीका बता दो। मैं तुमसे पूछता हूं कि स्वयं तक पहुंचने के लिए कभी किसी वाहन या किसी उपाय या विधि या तरीके का इस्तेमाल करना होता है? नहीं, बस इसे होश ही लाना होता है कि मैं तो मेरे पास हूं, मैं कहीं अपने से दूर गया ही नहीं, स्वप्न में दूर चले गए होंगे भला के, लेकिन इस स्वप्न को तोड़ना होगा, इस स्वप्न को चकना चूर करना होगा। और जैसे ही ये सपना चकना चूर हो जाएगा तुम देखोगे आहा क्या मस्ती है, क्या खुमारी है। सुरत कलारी बई मतवारी, सुरत कलारी बई मतवारी, मदवा पी गई बिन बोले, मधुवा पी गई बिन बोले, मधुवा पी गई बिन तोले। धन्यवाद।